साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज के हमारे इस वीडियो की विषय वस्तु है हिंदी का शिक्षा शास्त्र। और साथियों हिंदी के शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमने लिया है छठवां चैप्टर और वह है भाषा के चारों कौशल, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना का मूल्यांकन। साथियों जैसा कि आप जानते हैं भाषाई जो कौशल है ये चारों, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, इनका मूल्यांकन करना भी एक शिक्षक के लिए चुनौती होता है। तो एक शिक्षक किस तरह से इन चारों कौशलों का मूल्यांकन करेगा उस संदर्भ में हम आज बात करेंगे। और साथियों आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने इन चारों कौशलों के मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक के द्वारा अपनाई जा सकने वाली गतिविधियों के बारे में विवरण दिया है, जिसके बारे में हम क्रमशः बाद में इसका विवरण देंगे। तो साथियों शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल आरएफ कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब तो नहीं किया तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर ले साथियों, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों यदि यह वीडियो आपको ज्ञानोदय लगे तो आप इसको लाइक अवश्य करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। साथियों मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकरण पर कुछ नोट्स तैयार किए हैं और उन नोट्स को मैं आपके सामने यहां पढ़ता हूं और जहां पर आवश्यकता होगी मैं उसका विश्लेषण भी आपको दूंगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि भाषा की प्रमुख दक्षताएं सुनना बोलना पढ़ना लिखना, व्यावहारिक व्याकरण, भाषाई कौशल, शब्द भंडार में वृद्धि आदि का मूल्यांकन करने के लिए हम मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। साथियों जैसा हमने प्रकरण पर चर्चा की कि भाषाई कौशल, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, इसके अलावा व्यावहारिक व्याकरण, शब्द भंडार में वृद्धि, ये जो सारी बातें हैं कहना चाहिए, इनका मूल्यांकन हम कैसे करें इस हेतु इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मौखिक मूल्यांकन और दूसरा है लिखित मूल्यांकन। साथियों जैसे सुनना कौशल की हम बात करें, बोलना कौशल की बात करें या हम पढ़ना कौशल की बात करें तो इन तीनों कौशलों का जो मूल्यांकन है हम विशेष तौर से मौखिक रूप से इनका मूल्यांकन ले सकते हैं, लिखित रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लिखित रूप में बोलना कौशल या सुनना कौशल का क्या मूल्यांकन करेंगे। तो इन जो तीनों जो कौशल है सुनना बोलना और पढ़ना इनका हम मौखिक मूल्यांकन ही करते हैं। जो चौथा जो कौशल है लिखना कौशल, इसका हम लिखित रूप में मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा जैसे व्याकरणिक ज्ञान है या और बहुत सारे जो भाषाई दक्षताएं हैं उनका मूल्यांकन हम लिखित रूप में ले सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़े हैं, मौखिक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न कौशलों की जानकारी के लिए मौखिक प्रश्न बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों जैसे हमें सुनना बोलना पढ़ना ये जो तीनों जो कौशल है इनका मूल्यांकन इस तरह से हम करेंगे। जैसे सुनना के लिए हम क्या करेंगे, सुनना कौशल के लिए देखिए इस हेतु बालकों के समक्ष कुछ शब्द या वाक्य बोले जाते हैं, यानी बालकों के सामने हम कुछ शब्द बोलते हैं या कुछ वाक्य बोलते हैं और उन्हें फिर दोहराने को कहा जाता है कि बेटा आप इन्हें दोहराइए, ठीक है। इस आधार पर हम बच्चों की श्रवण शक्ति का, श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं। इसी तरह कोई कहानी आदि सुनने के पश्चात उसे सुनाने को प्रोत्साहित किया जाता है। तो सुनना या श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, बच्चे को कोई कहानी सुनाएगा और कहानी सुनाने के बाद में बोलेगा बेटा इस कहानी को दोहराइए, इस कहानी को सुनाइए फिर से अपने शब्दों में बताइए। तो इस तरह अगर बच्चे ने मान लो सही तरीके से हमारे द्वारा बताई गई कहानी को सुना है तो वह उसको आसानी से दोहरा लेगा। और भी साथियों इसकी गतिविधियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में उनके बारे में मैंने विवरण दिया है, इस पर आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए बोलना कौशल के मूल्यांकन हेतु एवं उसके आकलन करने के लिए किसी चित्र या दृश्य के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए कोई घटना है, कोई चित्र है, उसके ऊपर बालक को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है कि उसके बारे में कुछ बताए। जब यदि बालक उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेगा मान लो तो उसके जो बोलने का जो कौशल है कहना चाहिए या वह किस तरह से अपने विचारों को अव्यक्त करता है इसका हम आकलन बड़े आसानी से कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं उन्हें कोई कहानी या कविता सुनाता है एवं बालकों को दोहराने को कहता है, यानी जैसा कि अभी आपको हमने बताया जैसे सुनना कौशल के लिए हमने बात की थी कि बालकों को शिक्षक कोई एक कहानी सुनाएगा और फिर बोलेगा बेटा इसको
फिर से अपने शब्दों में सुनाइए। तो उस तरह बोलना कौशल में वही विधि अपनाएगा कि बालकों को बोला जाएगा कि बेटा आप हम इस कहानी को सुनिए और फिर इसको आपको बोलना है, उसको फिर से सुनाना है। तो वो बोल करके उस कहानी को अव्यक्त करेगा, उसके माध्यम से हम उसके बोलना कौशल का आकलन या मूल्यांकन कर लेंगे। बालक इस तरह है बोलने को प्रोत्साहित होता है, उसी समय शिक्षक उसके बोलना कौशल की जांच कर लेता है। साथियों, जिस समय बालक जो भी बातें बोलता है या कहानी के संदर्भ में या किसी भी बात को जब वह अपने मुंह से अव्यक्त करता है, तो हम उसके बोलने के कौशल का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पढ़ना कौशल हेतु। तो देखिए साथियों, पढ़ना कौशल के मूल्यांकन हेतु शब्द वाक्य या पुस्तक के किसी अंश को बालक को पढ़ने के लिए दिया जाता है। बालक के पढ़ने में उसका उच्चारण, वर्तनी, प्रवाह आदि को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। साथियों देखिए, पढ़ना कौशल के मूल्यांकन के लिए बालकों को शब्द दे दिए जाते हैं या वाक्य दे दिए जाते हैं या पुस्तक का एक अंश उन्हें दे दिया जाता है कि वे उसे पढ़ें। अब बालक किस तरह से उसको पढ़ रहे हैं, उनकी वर्तनी किस प्रकार कर रहे हैं, उस पे एक शिक्षक ध्यान रखता है और उस आधार पर वह उनका मूल्यांकन करता है। साथ ही यह भी देखता है शिक्षक कि उनकी धारा प्रवाहिता क्या है, अर्थात धारा प्रवाह किसी विवरण को पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। साथ ही उच्चारण के बारे में भी आकलन लगाता है कि बालक किसी शब्द का उच्चारण कैसे कर रहा है, कोई वाक्य को कैसे बोल रहा है। तो इन बातों का भी मूल्यांकन जो है वो एक शिक्षक कर सकता है। आगे चले साथियों, तो हम बात करते हैं लिखित मूल्यांकन की। तो लिखित मूल्यांकन देखिए, बालकों का लेखन कौशल के मूल्यांकन हेतु बालकों को श्रुतलेख, शुद्धलेख या पाठ की नकल करने को कहा जाता है, जिससे बालक की वर्तनी, विराम चिन्हों का प्रयोग, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग एवं वर्णों एवं शब्दों की बनावट का मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, लिखित मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बालक के लेखन कौशल का मूल्यांकन करते हैं और लेखन कौशल के मूल्यांकन के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसके विराम चिन्हों का प्रयोग, साथ ही अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग और जो वर्ण है कहना चाहिए, जितने प्रकार के वर्ण है उनका सही जगह प्रयोग का जो मूल्यांकन है वह यहाँ पर किया जाता है। तो साथियों, बालकों के लेखन कौशल के लिए हम विशेष तौर से शुद्ध लेख का प्रयोग करते हैं। शुद्ध लेख मतलब शिक्षक पुस्तक के किसी अंश को बोलता है और बालक उसको लिखते हैं, तो यह होता है शुद्ध लेख, अर्थात शुद्ध तरीके से लेखन करना। दूसरी बात श्रुत लेख, अर्थात करके लिखना, ये श्रुत लेख हुआ साथियों। और हम आगे बात करेंगे तो पाठ की नकल करना, अर्थात कोई एक पाठ होता है मान लो भाषा भारती का, उस पाठ में जो भी विवरण दिया होता है उस विवरण को नकल करने को कहा जाता है, उसकी कॉपी करने को कहा जाता है। तो साथियों, उसके माध्यम से भी हम बालक के लेखन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, ये हुआ तुम्हारा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी। अब हम आगे बात करते हैं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के जो चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके मूल्यांकन हेतु कौन कौन सी गतिविधियों को अपना सकता है और उसके माध्यम से इनका मूल्यांकन कर सकता है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, नंबर ए, सुनना कौशल के मूल्यांकन के लिए गतिविधियां। साथियों, यहाँ पर हमने पूरी 10 गतिविधियां लिखा है सुनना कौशल के मूल्यांकन के लिए। तो सुनना कौशल के मूल्यांकन के लिए जो 10 गतिविधियां, ये बोलना कौशल के मूल्यांकन के लिए भी गतिविधियां हो सकती हैं। तो चलिए, सुनना कौशल का मूल्यांकन इन गतिविधियों के माध्यम से कैसे करेंगे, उस पर हम नजर डालते हैं। तो पहला साथी, सुनो और बोलो। देखिए, बालक के सुनना कौशल का मूल्यांकन करने के लिए हम सुनो और बोलो जो टेक्निक है, जो गतिविधि है, उसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए, उसमें क्या करता है शिक्षक, शिक्षक सबसे पहले कोई शब्द बोलता है और बालक को उसे दोहराने को बोलता है। शिक्षक यदि मान लो कोई शब्द बोला और बालक ने तरीके से मान लो उस शब्द को दोहरा लिया, इसका मतलब है कि उसकी जो श्रवण शक्ति है, जो श्रवण कौशल है, वो सही है, यानी बालक किसी भी बात को तरीके से सुन पा रहा है। या शिक्षक कोई वाक्य बोलेगा और वाक्य को फिर दोहराने को बोलेगा, यदि बालक जो है तरीके से दोहरा लेता है, इसका मतलब यह है कि उसका श्रवण कौशल ठीक है। इसके विपरीत यदि उस शब्द को या वाक्य को बालक जो है दोहराने में असमर्थ है, इसका मतलब यह है कि वह जो है वह उसकी जो श्रवण शक्ति है कहना चाहिए, जो श्रवण कौशल है, वो ठीक नहीं है।
यानी वो तरीके से हमारी बात को सुन नहीं पा रहा है। साथियों कभी कभी ये भी होता है कि बालक संकोच की वजह से या भय की वजह से भी बोलने में असमर्थ होता है, तो इस हेतु हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें विद्यार्थी को विश्वास में लेना होगा, उसे अपने प्रति आकर्षित करना होगा और इस प्रकार की खेल गतिविधियों को अपनाना होगा जिससे कि बालक शिक्षक के साथ में घुल मिल जाए, और घुल मिल जाने के बाद में शिक्षक जब हम सुनो और बोलो गतिविधि का पालन करेगा तो निश्चित तौर से वह एक विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आसानी से मूल्यांकन कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है प्रश्न का उत्तर देना। साथियों श्रवण कौशल की जांच के लिए शिक्षक कोई भी बालकों को प्रश्न पूछता है, सामान्य प्रश्न जैसे आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से पूछे जा सकते हैं, और जब बालक को प्रश्न पूछेंगे तो बालक उसका उत्तर किस तरीके से देता है और उसका अगर उत्तर सटीक है और सही तरीके से दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बालक का श्रवण कौशल बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, आगे चले। तीसरा है निर्देशन पर कार्य करना। अब निर्देशन पर कार्य करना से क्या है साथियों, देखिए बालक का श्रवण कौशल की जांच के लिए जो शिक्षक है उसको कोई कार्य करने के लिए निर्देशित करता है कि आपको ऐसा करना है या उधर जाइए, इधर आइए, वहां बैठ जाइए, ये करिए, वो करिए, तो इस तरीके से बालक को बोलेगा, निर्देश देगा। अगर निर्देशों का पालन जो विद्यार्थी है वो तरीके से कर रहा है, इसका मतलब उसका श्रवण कौशल ठीक है। यदि नहीं कर पा रहा है मतलब उसने हमारी बात को तरीके से नहीं सुना है, अर्थात उसके श्रवण कौशल को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, या उसके जो श्रवण यंत्र है जैसे कान है उनका चिकित्सक से उसका सही तरीके से इलाज करने की जरूरत इसमें है। आगे चले। कविता कहानी को सुनकर दोहराना। साथियों कोई कहानी है, कोई कविता है, उसको शिक्षक बोलेगा और बच्चे जो है उसको दोहराएंगे, यानी कोई भी जो बालक है वो सुन करके कविता कहानी को अगर तरीके से दोहरा लेता है, इसका मतलब उसने तरीके से कहानी को सुना है या कविता को सुन रहा है और वह उसको दोहरा पा रहा है, तो जिससे भी हम क्या कर सकते हैं श्रवण कौशल की बड़ी आसानी से जांच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवी गतिविधि है पहेली बूझना। साथियों पहेली बूझना एक बहुत ही मनोरंजक गतिविधि है और इसमें बच्चे जो है बड़े मजे से और बहुत ही रुचि के साथ में इस गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए यदि हम श्रवण कौशल की जांच करना चाहते हैं तो कोई भी पहेली बालक को पूछे, जैसे हमने पूछ लिया कि भाई पंख नहीं है पर दूर आसमान तक उड़ती हूँ, भाई क्या चीज है बताइए, तो इस तरह कई तरह की जो पहेलियां हैं वो बनाएंगे और हम बच्चों को पूछेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे। यदि बच्चे तरीके से जवाब दे पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारी बात को तरीके से सुना है या बालकों का श्रवण कौशल एकदम सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाद विवाद। साथियों वाद विवाद जो है ये कक्षा 4 या 5 के जो विद्यार्थी उनके लिए ठीक है, बल्कि कक्षा 1, 2 या 3 के बच्चों के लिए जो वाद विवाद प्रतियोगिता है या वाद विवाद जो है वो लाभकारी नहीं है। हम 4वीं 5वीं या माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उनमें वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बालकों की श्रवण शक्ति का हम आकलन करते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक का श्रवण कौशल कैसा है। क्योंकि वाद विवाद में होता क्या है कि यदि एक बालक ने कोई बात बोला और उसका प्रत्युत्तर दूसरा बालक दे पा रहा है, मान लो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस बालक की बातों को सुना है या ठीक ढंग से सुन रहा है, तभी तो उसका सटीक उत्तर दे पा रहा है। तो इस तरह वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम बालकों के श्रवण कौशल की जांच कर सकते हैं। आगे चलें। अंत्याक्षरी। साथियों अंत्याक्षरी जो है यह भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और एक मनोरंजक और रुचिपूर्ण गतिविधि है। इसमें बच्चे बड़े रुचि के साथ में भाग लेते हैं और इसके माध्यम से एक शिक्षक जो है बालकों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक शब्द बोला जाए मान लो, और वो शब्द हमने बोला उस शब्द का जो अंतिम अक्षर वर्ण है, अक्षर है उससे प्रारंभ होने वाला वर्ण बोलना है, या हम गीत कविता की बात करें तो कविता की अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण में जो वर्ण दिया हुआ है उस वर्ण से शुरू होने वाले कविता या गीत को प्रारंभ करना है, ऐसे भी अंत्याक्षरी हो सकती है। तो कई तरह से अंत्याक्षरी का निर्माण करके हम बालक के श्रवण कौशल की जांच कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 8वां है वार्तालाप। साथियों
बच्चे चाहे कक्षा एक के हो, चाहे पांच के हो, चाहे माध्यमिक स्तर के हो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर के हो, आपस में निश्चित तौर से वार्तालाप करते हैं। तो बालकों को हम वार्तालाप करने के लिए आपस में छोड़ दें और ये देखें कि बच्चे वाकई जो वार्तालाप कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के द्वारा कही गई बातों को तरीके से सुन करके उसका तरीके से उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और इस पर फोकस करने के बाद हम उसका आकलन कर लेंगे कि किस तरह से बालक ने किसी बात को सुना और उसका उत्तर दिया, उस आधार पर उनके श्रवण कौशल का हम आकलन या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वार्तालाप भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। आगे चलते हैं, घटना का वर्णन। साथियों, कोई परिस्थिति या कोई घटना का वर्णन हम बच्चे को पूछे मान लो, और बच्चा उस घटना के बारे में सही तरीके से बता पा रहा है या जैसी घटना घटी है या जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई थी उस बारे में उसी प्रकार से वह वर्णन कर पाता है, तो निश्चित तौर से हम समझ लेते हैं कि बालक का श्रवण कौशल सही है। क्योंकि घटना या परिस्थिति में क्या होता है, कुछ बातें उसको कुछ बातें बोली जाती हैं, कही जाती हैं मान लो, तो वो बोली जाने वाली कही जाने वाली बातों के बारे में भी जो विद्यार्थी वो विवरण देता है और हम बालक का श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर लेते हैं। और साथ ही इसमें अंतिम में है परिचय, दसवां। तो देखिए, परिचय के माध्यम से भी हम श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते हैं। कैसे? आपस में जो कक्षा के बालक है उनको बोलेंगे बेटा आप अपना परिचय दीजिए। अब परिचय बालक ने सबने दिया, इसके बाद में हम फिर बालकों को पूछेंगे भाई इस अमुक लड़के ने क्या बताया, बेटा इसका नाम क्या बताया, कक्षा क्या बताया, अपने माता पिता का नाम क्या बताया, इस बारे में पूछेंगे। यदि दूसरा बालक जो अन्य बालक उसके बारे में तरीके से जानकारी दे पा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस बच्चे ने जो भी परिचय बताया उस परिचय को इस बालक ने तरीके से सुन पाया है ना, ये बात हो जाएगी। तो परिचय के माध्यम से भी हम बालकों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, यहां मुख्य रूप से मैंने 10 गतिविधियां लिखी हैं जो कि बालकों के श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, और इसके अलावा गतिविधियां हो सकती हैं हम बालकों के श्रवण कौशल की जांच करने के लिए, ठीक है, परंतु हमने यहां पर मुख्य गतिविधियों पर फोकस किया है। तो साथियों, ये थी तुम्हारी सुनना कौशल के मूल्यांकन हेतु गतिविधियां। अब हम बात करते हैं बोलना कौशल के मूल्यांकन हेतु हम कौन कौन सी गतियों का परिपालन कर सकते हैं, कौन कौन सी गतिविधियों को अपना सकते हैं। तो साथियों देखिए, जैसा कि सुनना कौशल में जो भी गतिविधियां थी वही गतिविधियां लगभग बोलना कौशल में भी आएंगी। तो देखिए, इसको क्रमशः हम बात करते हैं इन पर। सबसे पहली जो गतिविधि है वह है सुनो और बोलो। जैसा कि सुनना कौशल के लिए के बारे में हमने बताया था कि सुनना कौशल का आकलन करने के लिए बालक को हम कोई बात बोलेंगे है ना, वो सुनेगा और उसको बोलेगा, तो इस तरह सुनना का भी मूल्यांकन हो जाएगा और बोलना का भी मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। आगे चले स्वतंत्र अभिव्यक्ति। साथियों, किसी भी विषय पर बालक को हम अब उसके जो स्वयं के विचारों को प्रकट करने को बोलेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचता है। यदि बालक उस बारे में अपने विचारों को प्रकट करता है और किस तरीके से प्रकट करता है मान लो, उस आधार पर हम उसके बोलना कौशल का मूल्यांकन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो तीसरी गतिविधि है वह है चित्र देखकर बोलना। साथियों, बालकों को कोई चित्र हम दिखाएंगे या कोई जो पाठ्य पुस्तक दी है उस पाठ्य पुस्तक में कोई चित्र दिया है, उस चित्र के संदर्भ में अपने विचारों को अव्यक्त करने को हम बालक को बोलेंगे, चित्र के बारे में बताने को बोलेंगे कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, वो बालक जिस तरीके से बताएगा हमें, जिस तरीके से बोलेगा हुआ है, तो उसके हम बोलना कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे साथियों, चौथा, कविता कहानी आदि सुनाना। बालक को हम किसी भी कविता को या कहानी को सुनाने को कहेंगे, क्योंकि बालक अपने घर पर भी बहुत सारी कहानियां अपने दादा दादी नाना नानी से सुनता है, तो उन कहानियों को हम बालक को कक्षा में सुनाने को बोलेंगे, और जब बालक उसको सुनाएगा तो हम उस समय उसके बोलना कौशल का बड़े आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा है पहली बूझना। साथियों, जैसा कि हमने सुनना कौशल के मूल्यांकन में भी पहली बूझना गतिविधि के बारे में बताया था, तो यह गतिविधि जो है बोलना कौशल के मूल्यांकन में भी आवश्यक है और इसका हम प्रयोग बोलना कौशल के मूल्यांकन में भी कर सकते हैं। देखिए, कोई पहली बालकों को पूछे, बालक उसकी आप कोई पहली हमें बूझिए या हमें बताइए, हम उसका उत्तर देंगे, तो किसी भी तरीके से बालक को हम बोलने के अवसर दें। बालक यदि अपने विचारों को प्रकट करता है तो उस समय हम उसके बोलना कौशल का जो मूल्यांकन है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं वाद विवाद। साथियों,
श्रवण कौशल के आदरण के लिए वाद विवाद का हमने प्रयोग किया था, उसी तरह हम मतलब बोलना कौशल के भी आदरण के या मूल्यांकन के लिए वाद विवाद गतिविधि का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक जो है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, उसमें कोई प्रकरण दे देगा और उस पर बच्चों को अपने विचारों को बोलने को कहा जाएगा और बच्चे मतलब अपने अपनी बातों को रखेंगे। उस आधार पर हम बालकों के बोलने के कौशल का मूल्यांकन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। नाटक या अभिनय, साथियों यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और इस गतिविधि में बालक बहुत रुचि लेते हैं। और इसमें क्या होता है, बालक जब नाटक में भाग लेगा या अभिनय किसी का करेगा, मान लो किसी बात का अभिनय करेगा, तो अभिनय करते जब अभिनय करेगा मान लो, तो उसे बोलने की जरूरत पड़ेगी। और वह किस प्रकार से अभिनय कर रहा है, किस प्रकार से अपनी बातों को दूसरों पर प्रकट कर रहा है, किस प्रकार अपने विचारों को अव्यक्त कर रहा है, उस आधार पर हम बालक के बोलने के कौशल का मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं। तो यह एक मनोरंजनात्मक गतिविधि साथियों, और इसका प्रयोग शिक्षक को निश्चित तौर से बोलने के कौशल के लिए करना ही चाहिए। ठीक है, आगे चले। वार्तालाप, साथियों वार्तालाप भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और इसके माध्यम से हम बालक के बोलने के कौशल का मूल्यांकन कर लेते हैं। बालकों से हम या तो शिक्षक स्वयं वार्तालाप करें, यानी कोई बातचीत करे किसी प्रकरण पर, किसी विषय वस्तु को लेकर के, या बच्चों को ही आपस में वार्तालाप करने का मौका दे, अवसर दे। और जब ये वार्तालाप कर रहे हो उस समय हम बालक के बोलने के कौशल का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे चले। परिचय, साथियों सुनना कौशल में भी यह गतिविधि थी और बोलना कौशल में भी हम परिचय गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं। पालकों को अपना परिचय देने को बोलेंगे या अपने साथी का परिचय देने को कहेंगे कि भाई तुम्हारे जो बाजू में जो साथी बैठा है उसके बारे में आप बताइए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, है ना। तो इस तरह से कहना चाहिए, हम परिचय गतिविधि का प्रयोग करके हम बालकों के बोलना कौशल का आकलन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। दसवां साथियों, घटना या परिस्थिति का वर्णन करना। देखिए साथियों, कोई भी घटना है या कोई परिस्थिति है, मान लो जैसा कि अभी हमने श्रवण कौशल के आग्रह में भी इसका प्रयोग किया था, तो इस गतिविधि का हम प्रयोग बोलना कौशल में भी कर सकते हैं। कोई घटना है, मान लो कोई घटना घटी है, उस पर हम बच्चे को बोलेंगे बेटा उसके बारे में हमें बताओ कि क्या हुआ है, या कोई परिस्थिति मान लो, तो उस परिस्थिति पर अपने विचार अव्यक्त करने को बालक को कहेंगे और बालक अपने विचारों को अव्यक्त करेगा। तो तब हम क्या करेंगे या एक शिक्षक क्या करेगा कि बालक के बोलने के कौशल का मूल्यांकन कर लेगा कि बालक किस प्रकार अपने विचारों को अव्यक्त कर रहा है, उसका उच्चारण किस प्रकार का है, कहां पर वह उच्चारण में उसकी त्रुटि पाई जा रही है, इस बारे में हम उसका आकलन कर सकते हैं। आगे चले साथियों, प्रश्नोत्तर पूछना। देखिए बालकों को कोई प्रश्न पूछेंगे, बालक उसका उत्तर देगा, तो उत्तर देते समय उसको बोलने की आवश्यकता पड़ेगी और वह उत्तर को किस प्रकार देता है ना, तो उस आधार पर हम उसके बोलने के कौशल का हम आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और अंतिम में साथियों, भाषण देना। देखिए भाषण देना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। भाषण में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी प्रकरण पर या किसी विषय वस्तु पर प्रकट करता है, और जब बालक को हम किसी प्रकरण पर बोलने को कहते हैं या भाषण देने को बोलते हैं, तो भाषण के माध्यम से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि बालक किस तरीके से बोल रहा है या अपने विचारों को किस प्रकार प्रकट कर रहा है, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार कर रहा है, उसकी उसकी जो वर्तनी किस प्रकार की है, इस आधार पर हम बड़े आसानी से उसके बोलने के कौशल का या अभिव्यक्ति कौशल का हम आकलन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुल 12 मैंने गतिविधियां यहाँ पर लिखी थी। इसके अलावा बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं एक बालक के बोलना कौशल या अभिव्यक्ति जो कौशल है उसका मूल्यांकन करने हेतु। तो ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं साथियों, पढ़ना कौशल के मूल्यांकन हेतु गतिविधियां। एक बालक का जो पढ़ना कौशल है उसका कौशल कैसा है, उसका मूल्यांकन करने हेतु हम कौन कौन सी गतिविधियों का पालन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रमशः है, पहली गतिविधि है साथियों कार्डों पर लिखे अक्षर पढ़ना। हमारे विद्यालय में बहुत सारे चित्र कार्ड होते हैं, शब्द कार्ड होते हैं। साथियों शब्द कार्ड को हम बालक को देंगे और वहां पर लिखे वर्ण को या शब्द को पढ़ने को बोलेंगे। यदि बालक तरीके से पढ़ पा रहा है तो हम उसके पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले। दो वर्णों को जोड़कर पढ़ना।
साथियों दो वर्ण दिए हुए हैं, मान लो एक में लिखा है ज और दूसरे में लिखा है ल, इन दोनों को जोड़ करके जब पढ़ेगा मान लो बालक जल, तो जल अगर पढ़ सकता है तो हम उसके पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे जो वर्ण है जिनके माध्यम से, जैसे मान लो बिना मात्रा वाले वर्णों के मद से बनने वाले शब्द हैं, मात्राओं से युक्त वर्णों को जोड़कर बनने वाले शब्द हैं, तो अलग अलग जो वर्ण हैं उनको जोड़ करके नए शब्द बना करके हम बच्चे को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है, और जब बालक पढ़ता है उस आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्तक के किसी अंश को पढ़ना, साथियों भाषा भारती या जो हिंदी पुस्तक है मान लो उसका कोई भी एक चैप्टर निकाल लेंगे और बालक को बोलेंगे इसको पढ़िए। यदि बालक तरीके से सही से पढ़ पा रहा है और सही उनकी वर्तनी कर पा रहा है, मात्राओं का ध्यान रख पा रहा है मान लो, या उतार चढ़ाव जो है कुमला के बलाघात वगैरह जो है, मतलब कहां पर उसको जोर देके पढ़ना है, कहां पर उसको जोर देके नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें अगर उसका ध्यान रखते हुए अगर पढ़ता है तो उससे हम उसके पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। कथा कहानी का वाचन करना, साथियों कोई कथा है या कोई कहानी है लिखी हुई, उसको पढ़ने के लिए हम साथ छात्र को कहेंगे। छात्र उस कहानी को किस तरीके से पढ़ता है, किस तरीके से उसका वाचन करता है, उस आधार पे हम उसका उसके पढ़ने के कौशल का हम मूल्यांकन करेंगे, अर्थात वाचन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, पढ़कर सही जोड़ी का मिलान करना। साथियों यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें दो खंड बने हुए होते हैं और पहले खंड में जो कुछ शब्द दिए होते हैं और दूसरे खंड में कुछ शब्द दिए होते हैं, तो संबंधित जो, जैसे उदाहरण के लिए खंड एक में विलोम शब्द दिए हैं और खंड ब में उसके विपरीत या विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो उनको जोड़ी मिलान करने को बोलेंगे। तो बालक क्या करेगा, उनको पहले पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में उनका मिलान करेगा, क्योंकि ऊपर ही दिया रहेगा कि विलोम शब्दों की जोड़ी मिलाइए। तो इस प्रकार कई प्रकार से, या समानार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए, तो किस सही जोड़ियां कई प्रकार की हो सकती है, तो सही जोड़ी मिलान करवा करके हम बच्चे के पढ़ने के कौशल का आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। पूछे गए प्रश्न का उत्तर पढ़कर देना। साथियों यदि मान लो हम क्या करें, बालकों के पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उनको हम जैसे बालक पास उनकी जो नोट्स रहेगी, जो भी उन्हें लिखा है मान लो वो रहेगा, या जो भी पुस्तक रहेगी मान लो, तो वहां उनके उत्तर लिखे रहेंगे और शिक्षक उनको प्रश्न पूछेगा कि भाई हमने ये प्रश्न पूछा है, आप अपनी नोटबुक में देखिए और नोटबुक में देखिए बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा। हमारी बात को, हमारे प्रश्न को बालक ने सुना और फिर वहां पर जो सही उत्तर है उसका, उस उत्तर को पढ़ करके बताएगा, और जब वो पढ़ेगा मान लो, तो पढ़ते समय हम उसके पढ़ना कौशल का मूल्यांकन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये था तुम्हारा पढ़ना कौशल के मूल्यांकन हेतु गतिविधियां। अब हम आगे बात करते हैं साथियों लिखना कौशल के मूल्यांकन हेतु गतिविधियां। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां, पहला है श्रुत लेख। साथियों शिक्षक बोलेगा, बालक लिखेगा, तो यह लिखना कौशल का की पहली गतिविधि है, श्रुत लेख नाम से सुन करके लिखना। ठीक है, दूसरा है शुद्ध लेख। साथियों शुद्ध लेख में यह होता है कि हम बालक को बोलते हैं और बालक लिखने का प्रयास करता है, लिखता है मान लो, परंतु हम इसमें ये देखते हैं कि बालक शुद्ध लिख रहा है कि नहीं, लिखा अशुद्ध तो लिखा नहीं है उसकी, या अशुद्ध तो नहीं लिख रहा है, सही मात्राओं का या अनुस्वार अनुनासिक का सही प्रयोग तो कर रहा है, या विराम चिन्हों का सही प्रयोग तो कर रहा है, हम ये बात देखते हैं उसमें। तो शुद्ध लेख के माध्यम से भी हम उसके लिखना कौशल का मूल्यांकन करते हैं। आगे है पाठ की नकल कराना। साथियों कोई भी हम एक प्रकरण निकाल लेते हैं, एक पाठ निकाल लेते हैं, उस पाठ की नकल करने को कहा जाता है, छात्र को लिखने को कहा जाता है उस पाठ के बारे में, और बालक लिखता है, तब हम उसकी लिखावट की जांच करते हैं कि वो किस प्रकार लिख रहा है, वह कैसे वर्णों को बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम मतलब कहना चाहिए बालक के लिखना कौशल का मूल्यांकन करते हैं। आगे चलेंगे, चौथी गतिविधि है साथियों पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखना। देखिए छात्रों को हम क्या करेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे और उनको बोलेंगे कि बेटा इसका उत्तर आपको लिख करके देना है। हमने प्रश्न बोला, बालक उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखेगा और हम फिर उसकी जांच करेंगे, और जांच के समय हम देख लेंगे बालक ने अपना उत्तर किस तरीके से लिखा है, शब्दों का सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, उसने उसकी सही वर्तनी लिखी है या नहीं लिखी है, या अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग तरीके से किया है या नहीं किया है, इस बात की जो जांच है, इस बात का जो आकलन या मूल्यांकन है, वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। पांचवी गतिविधि है शब्दों या वर्णों को जोड़कर लिखना। साथियों शब्दों को या वर्णों को जोड़कर लिखने के लिए भी हम बालकों को देंगे, और उस आधार पर यदि बालक तरीके से लिख सक रहा है तो हम उसका मूल्यांकन आसानी से कर लेंगे।
यानी दो वर्ण दे दिए, मान लो जैसे छोटी कक्षा है, कक्षा एक दो है मान लो, तो कक्षा एक और दो के बच्चों को हम क्या करेंगे, वर्णों को जोड़ करके लिखने को कहेंगे। या जो बड़ी कक्षा है तीन चार पांच या माध्यमिक स्तर कक्षा है मान लो, तो उनमें हम शब्दों को जोड़ करके लिखने को बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से करें, जैसे मतलब उपसर्ग प्रत्यय की हम बात करें मान लो, तो उपसर्ग प्रत्यय में शब्द होते हैं, है ना, शब्दार्थ और शब्द होते हैं, उनको जोड़ करके लिखने को कहा जाएगा। तो इस आधार पर भी हम उसके लिखना कौशल का, वाक्यों के लिखना कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे चले, घटना या परिस्थिति का विवरण लिखना। साथियों, जैसा कि मैंने ऊपर के जो कौशल है, सुनना, बोलना और वाचन करना, इन कौशलों के बारे में मैं आपको बताया, तो उसी के अंतर्गत जो है किसी घटना या परिस्थिति जो है उसका विवरण लिख करके देने को हम बालक को प्रोत्साहित करेंगे। बालक किसी घटना या परिस्थिति का विवरण लिख करके देगा, उस आधार पर हम उनके लिखना कौशल की जांच आसानी से कर सकते हैं कि बालक ने उस घटना का विवरण किस प्रकार दिया है, किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, है ना। ये सब सारी बातों की हम जांच आसानी से कर सकते हैं। आगे चले, आठवीं गतिविधि है निबंध पत्र लेखन कराना। साथियों, निबंध पत्र लेखन कराना भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, इसके माध्यम से भी हम बालकों के लिखना कौशल की जांच आराम से कर सकते हैं। आवेदन की हम बात करें तो साथियों, आवेदन को किस प्रकार लिखना है मान लो, उसका एक तरीका होता है, उस तरीके या ढंग की जांच भी हम इस गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं। कोई निबंध लिखवाएंगे किसी प्रकरण पर, किसी विषय वस्तु पर निबंध लिखने को कहेंगे, बालक उस पर निबंध लिखेगा, तो उसके लिखने का जो तरीका ढंग है या जिन शब्दों का वह प्रयोग करता है, उस आधार पर हम उसके लिखना कौशल की हम जांच कर सकते हैं। आगे साथियों, गृह कार्य देना। गृह कार्य भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। साथियों, हम बोलेंगे बालकों को कि बेटा आपको कल इस विषय पर इतना काम करके आना है, लिख करके लाना है, तो बालक लिख के लाएगा, दूसरे दिन जचवाएगा। जांच के समय हम बालक के लिखना कौशल की जांच कर लेंगे और जांच करने के पश्चात जहां पर सुधार की आवश्यकता होगी हम वो सुधार भी कर देंगे, ठीक है। और आगे चले साथियों, श्यामपट पर लेखन कराना, यह भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। साथियों, कुछ बच्चे क्या होता है कि श्यामपट पर, यानी मतलब कि व्हाइट बोर्ड हो या ग्रीन बोर्ड हो या श्यामपट हो, जैसा भी हो मान लो, वहां सामने आने में हिचक जाते हैं, संकोच महसूस करते हैं। तो पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, बालकों के इस संकोच को हमको दूर करना होगा, उन्हें श्यामपट पर आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जब वे श्यामपट पर आ जाएंगे तो उनको हम कोई वाक्य लिखने को बोलेंगे या किसी चीज के बारे में जानकारी देने को बोलेंगे कि आपको श्यामपट पर लिख के बताइए, ठीक है साथियों। तो यह भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और अंतिम जो हमने गतिविधि यहाँ लिखा है, सही जोड़ी बनाकर लिखना। साथियों, सही जोड़ी बनाकर लिखना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, कुछ शब्द दे देंगे बालकों एक खंड में, और खंड में शब्द देने के बाद बोलेंगे इनकी आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो बालक क्या करेगा, देखेगा वहां पर कि भाई यहाँ हमको किस प्रकार की जोड़ी बनाना है। मान लो एक खंड के अंदर हमने विपरीत शब्द दे दिए, मान लो विलोम कुछ शब्द दिए हैं, उनके विलोम शब्द दे दिए मान लो, और हमको बोलना कि बेटा यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है, तो बालक उसमें समझेगा, इसके बाद में क्या करेगा, उनकी सही जोड़ी का मिलान करके हमें बताएगा। तो उस आधार पर भी हम बालक के लिखना कौशल का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह ये 10 गतिविधियां लिखना कौशल की जांच हेतु भी। तो साथियों देखिए, मैंने यहाँ पर आपको जो चारों कौशल हैं, सुनना कौशल, बोलना कौशल, पढ़ना कौशल और लिखना कौशल, इन चारों कौशलों के मूल्यांकन हेतु हम कौन कौन सी गतिविधियों को अपना सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। साथियों, इनका मूल्यांकन या आकलन कर लेने के बाद शिक्षक का दायित्व क्या बनता है कि बालक जिस क्षेत्र में कमजोर है या उसकी कमजोरी दिख रही है तो उसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो हम प्रत्येक बालक का के जो कौशल है कहना चाहिए, उनके चारों कौशल, उनका मूल्यांकन करेंगे और यदि उनमें किसी प्रकार की भी कमी पाई जाती है तो उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी हेतु जांच की जाती है विद्यार्थियों की। तो साथियों, मुझे आशा है कि आज का जो वीडियो है आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपकी जो शिक्षक चयन परीक्षा होती है उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हिंदी भाषा के अंतर्गत ही किसी नए प्रकरण के साथ आपके सामने पुनः बन दूंगा। नमस्कार।